हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे सब लोग। आज आप लोग का 10th क्लास में वेलकम है। आप लोग अब 10th क्लास में आ गए हो 9th क्लास से। 9th क्लास में भी आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, नंबर्स के बारे में सीखा होगा, और हमारा 10th क्लास का पहला चैप्टर भी नंबर से ही रिलेटेड है, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। बच्चों, 10th क्लास जो है ना, वो 9th क्लास से थोड़ा सा अलग ही समझ लो, लेकिन आई मीन मेरा कहना है कि 9th क्लास से तो ईजी है। अगर आप लोग ध्यान दोगे पढ़ाई में तो 10th क्लास में आप अच्छी मैथ में अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो। तो ध्यान से पढ़ो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। जो 9th में आपने गलतियां की है, वो गलतियां यहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो आओ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर में देखिए, चैप्टर का पहला नाम, पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या। रैशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। ये होता है अपरिमेय संख्या और ये होता है परिमेय संख्या। ये होता है परिमेय संख्या। अब देखिए, परिमेय संख्या के कितने टाइप्स होते हैं? परिमेय संख्या के टोटल 2 टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शन इंटीजर्स। तो सबसे पहले इंटीजर्स देखते हैं। इंटीजर्स में हम नीचे से जाएंगे। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक। लेकिन इंटीजर में हम नीचे से आते हैं, बिल्कुल नीचे से। देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। सभी लोग बहुत पहले से ही प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? देखिए, प्राकृतिक संख्या हमारी होती है 1, 2, 3, 4, 5, डैश डैश डैश। इसके आगे जितनी भी नंबर हैं, 1 से स्टार्ट होने वाली, ये सारी क्या है? नेचुरल नंबर हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर आ जाइए, 0। 0 से सभी लोग भली बात परिचित हैं। ये क्या है? 0। ये है 0। तो नेचुरल नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एटीसी। और उसके बाद आ गया 0 में, ये सिर्फ 0। इसके ऊपर जाते हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं इसे? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब होल नंबर में देखिए, 0 और ये नंबर उठा के यहाँ पे रख दो, यही है होल संख्या। बस मतलब आपके यहाँ होल नंबर क्या आ जाएगा? होल नंबर में आपको मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 एटीसी। मतलब 0 से स्टार्ट हो के आगे जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सबको मिला के क्या बनता है? होल नंबर मिल गया। अब आते हैं इधर नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में देखिए, यही जो इंटीजर्स थे हमारे पास नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इसका जो नेगेटिव नंबर्स होगा, नेगेटिव नंबर्स होगा -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है? ये क्या नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखिए, यही थे इंटीजर्स मतलब पूर्णांक के 2 टाइप्स, नेगेटिव और होल नंबर्स। होल नंबर्स में हमने देखा 0 और नेचुरल नंबर। देखिए, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एटीसी जितने भी नंबर है, ये तुम्हारे पॉजिटिव है। उसके बाद नेगेटिव में चले जाइए, 1, -1, -2, -3, -4, ये सब आपके क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन मैंने -1, -2, -3 सारे बता दिए नेगेटिव, और पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5 एटीसी जितने भी नंबर है ये सब पॉजिटिव। तो 0 कहाँ गया? 0 जो होता है, याद रखना बच्चों, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर्स होता है। लेकिन होल नंबर की बात जब करें तो उसमें 0 आता है, और जितने पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं उन्हीं को उठाते हैं यहाँ पे रख दिए, बस यही। और यहाँ पे जो नेचुरल नंबर था, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, इंटीजर्स हमारा समाप्त। आते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, रैशनल नंबर में हमने दूसरा बोला था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन आप लोग बचपन से पढ़ने आए हो, दूसरी तीसरी क्लास से आप लोग अगर प्राइवेट में सरकारी पढ़े होंगे तो फ्रैक्शन पढ़ाया गया होगा। फ्रैक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर तथा मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन में देखिए, फ्रैक्शन होता क्या? भिन्न। कैसे लिखते हैं हम? जैसे 1/2, 1/2। अब ये क्या है? फ्रैक्शन है। यहाँ पे लिख दी 3/2, ये 1/3, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। अगर हम इसको डिवाइड करें 1 में 1/2 से, हम देखते हैं, देखिए 1/2, 1/2 इक्वल टू, अगर 1 में हम 2 का डिवाइड करें, 1 में हम 2 से डिवाइड करें, तो पहली बार नहीं 0, उसके बाद 0, यहाँ 1 डेसिमल 0, 2 5 10, ये हो गया क्रॉस क्रॉस।
इसका मतलब आया क्या 0.5। अगर 1/2 को हम डिवाइड करें तो ये क्या होता है डेसिमल में 0.5 आता है। आगे देखिए एक नंबर और लेते हैं 1/3, ये भी फ्रैक्शन है, अगर इसको हम डिवाइड करें 1 में 3 से, देखिए यहाँ पे 0 यहाँ या 0 यहाँ उतारा 1, यहाँ पॉइंट लगाया डेसिमल लगाया, यहाँ 3 3 9 और 10 में से 9 1, डेसिमल पहले था 10, 3 3 9, फिर यहाँ 1 डेसिमल पहले था 0, फिर 3 3 9, ऐसे ही बार बार देखिए आपका 3 रिपीट होता जा रहा है। मतलब जब हमने 1/3 किया तो इस बार पूरा कटा नहीं, 0.333 डॉट डॉट ऐसे बार बार रिपीट होता जाएगा, ये नंबर कभी कटेगा नहीं। देखिए मतलब फ्रैक्शन से हमें क्या होता है, अगर हम उसे डिवाइड करें तो हमें डेसिमल नंबर के रूप में मिलेगा, जो हमने देखा यहाँ पे 1/2 से डिवाइड करके, 1/2 का डिवाइड करके, 1/3 का डिवाइड करके, तो हमें मिल गया इसमें डेसिमल में। देखिए डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, डेसिमल दो होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब होता है शांत अशांत दशमलव, शांत दशमलव अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कट जाए, जो पूरी पूरी तरह कट जाए। देखिए इन दो नंबर में हमने देखा, दो फ्रैक्शन में 1/2 = 0.5 और 1/3 = 0.333, बार बार 0.333 बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें कटा कौन सा, टर्मिनेटिंग कौन सा, ये 1/2 जो कट गया वही क्या है टर्मिनेटिंग, और जो नहीं कटा है नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे देखिए टर्मिनेटिंग में क्या आ जाएगा आपका 0.5 0.4 0.2 0.3, ये सब क्या है तुम्हारे, या यहाँ पे 1 भी ले लूँ, कोई भी 2.5, कुछ भी नंबर हो जो टोटल डिविजिबल हो जाए, टोटल कट जाए, वही क्या होता है टर्मिनेटिंग। अब आगे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, गैर या अशांत दशमलव बोल दीजिए इसको, नॉन टर्मिनेटिंग में ये दो नंबर होते हैं, रिकरिंग एक होता है नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है आवर्ती संख्या, आवर्ती, आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाली संख्या, यहाँ पे लिखते हैं आवर्ती संख्या, आवर्ती संख्या, आवर्ती संख्या, ये गैर आवर्ती संख्या क्या है, गैर आवर्ती संख्या। जो ये देखिए गैर आवर्ती, नाम से ही पता चल रहा है आवर्ती मतलब आवृत्ति हो जिसकी, हर बार देखो आ रही है। हमने 1/3 का डिवाइड किया था 0.3333, जब बार बार एक नंबर दो नंबर या तीन नंबर जो भी नंबर अगर बार बार वही आए, जैसे 3 3 3 3 3, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.3 पे बार, इसका मतलब है 3 क्या हो रहा है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार आए तो उसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, जैसे ये है 0.4444, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 पे बार, एक बार लिख के छोड़ देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा रिकरिंग नंबर या आवर्ती संख्या। अब देखिए नॉन रिकरिंग गैर आवर्ती संख्या क्या होता है, गैर आवर्ती संख्या मतलब होता है ये भी टोटल कटेगा नहीं, क्योंकि किस श्रेणी में आ रहा है, किस श्रेणी में, नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब टोटल डिविजिबल नहीं होगा, टोटल डिविजिबल नहीं होगा और इसमें बार भी नहीं लगा है, मतलब एक नंबर बार बार नहीं हो सकता है। किसी नंबर में हम डिवाइड करें, और देखिए जैसे हमने कोई अंडर रूट टू की वैल्यू हमने देखा है, होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट, इसके आगे बहुत सारे नंबर होते हैं, कटता नहीं है, लेकिन हम कहीं अगर यूज करते हैं रूट टू का तो लिख देते हैं 1.414, बस इतना यूज करते हैं, इसके आगे वाले नंबर नहीं, जबकि इसके आगे भी नंबर होते हैं, ये कटता नहीं है। अब देखिए इसमें क्या कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं, 414 आया, अब इसके बाद पता नहीं कौन सा नंबर ऐसे बढ़ते जाते हैं, तो ये तुम्हारे क्या आ गया नॉन रिकरिंग में, जैसे 1.3455, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब ETC आगे कितने नंबर है कुछ पता नहीं है। उसके बाद आगे देखिए रूट टू का मैंने लिख दिया है, उसके बाद पाई की वैल्यू भी 3.4141, जैसे 3.141 ऐसे बड़े बड़े बढ़ता चला जाता है, तो इसकी वैल्यू भी कभी कटती नहीं है, ये भी किस में आ गई नॉन रिकरिंग में आ गई। बच्चों ये अपना बेसिक था, ये सबसे बेसिक चीज है, अगर आप इसको समझ गए तो इन फ्यूचर जब आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, आप गवर्नमेंट जाओगे, प्रिपरेशन करोगे, या कहीं भी जाओ, IIT में जाओ, कहीं भी जाओगे, तो ये चीज आपको हरदम मिलेगी, तो आप ध्यान देना, इसको बेसिक ही मत समझना, इसको डीपली इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पढ़ लेना। इसके बाद हम जा रहे हैं यूक्लिड डिविजन लेमा की तरफ। देखिए यूक्लिड डिविजन लेमा, यूक्लिड डिविजन लेमा, देखिए यूक्लिड डिविजन लेमा होता क्या है, यूक्लिड डिविजन लेमा, यूक्लिड क्या है ना, एक अर्थमेट, एक जो है गणितज्ञ का नाम है,
मैथमेटिशियन का नाम है। और डिवीजन का मतलब होता है विभाजन, डिवीजन का मतलब क्या होता है विभाजन, लेमा मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी नंबर को विभाजित करना। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम क्या करते हैं किसी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, जैसे दो पूर्णांक दिए हों, दो इंटीजर्स दिए हैं, उनका हम क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं, जो बड़े बड़े नंबर होते हैं उनका एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। वैसे तो हम एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं, डिविजिबल डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं, यही ये डिवीजन मेथड का ही एक रूप है यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए होता क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। देखिए इनको मैं हिंदी में भी बताऊंगा इंग्लिश में भी, अभी टेंशन ना लें। देखिए a आपने डिवीजन देखा होगा, a यहाँ रखो और यहाँ पे है b, और b की टेबल आपने पढ़ना है q टाइम्स गया, यहाँ पे कोई नंबर आया, नंबर आने के बाद आपके पास r रिमेनिंग बच गया, मतलब a है आपका बीच वाला नंबर जिसमें क्या करते हैं जो बीच में रखा जाता है। जैसे हम आपको एक नंबर लेके बताते हैं, ये है 5 और आपने क्या करना है 2 की टेबल पढ़नी है, 2 टू जा 4 टाइम्स में आ गया 4, लेकिन 1 रिमेनिंग बच गया, तो आप देखिए a की जगह पे क्या है 5, a की जगह पे क्या है 5, b की जगह पे क्या है 2, उसके बाद q की जगह पे क्या है 2, r की जगह पे क्या है 1। अब इसको हम लिखते हैं कैसे हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस में r, a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 5 और b की वैल्यू कितनी थी 2 और q की वैल्यू कितनी थी 2 प्लस में r, r की वैल्यू कितनी थी 1। देखिए 2 2 जा 4 1 5, दोनों इक्वल हो गए, ये ही होता है आपका क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो इसको पढ़ते कैसे हैं, डिविडेंट डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट, क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर रिमाइंडर, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, शेषफल भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड बराबर डिवाइजर प्लस में क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर, ये हमारा होता है, ये डिविडेंड होता है, ये जो होता है इसमें डिविडेंड होता है, डिवाइजर क्या होता है बी होता है, क्वोशेंट क्या होता है क्यू, रिमाइंडर आर। क्या आप सोचो जैसे मैंने यहाँ पे टेबल 5 को बीच में लिया और यहाँ पे 2 की टेबल पढ़नी थी, 2 2 जा 4 5 4 1, अगर ये रिमाइंडर क्या कभी इससे बड़ा हो सकता है, कभी इससे बड़ा हो सकता है नहीं, आओ देखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा था जिसमें a बराबर ये था और b की मतलब ये q और r, a इज इक्वल टू डिविडेंड और डिवाइजर क्या है b, क्वोशेंट क्या है q, रिमाइंडर क्या है r। आओ एक एग्जांपल से इसे समझते हैं, एक एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 125 एंड 45। देखिए जो बड़ा नंबर होता है ना, जो बड़ा नंबर होता है उसे हम पहले लिखते हैं, मतलब जो a था ना हमारा वो सबसे बड़ा नंबर होता है, एचसीएफ निकालने का मेथड यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आपने क्या करना है a मान लेना है, उसे बाहर लेना है। देखिए a की जगह पे हमारा क्या था, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, तो आपने क्या करना है a की जगह पे रखना है 125 प्लस में b, सॉरी इक्वल टू b, अब b मतलब होता है जिसकी आपने टेबल पढ़नी है, तो b क्या है आपका 45। अब देखिए 45 की टेबल पढ़ो कितनी बार में आ जाएगा 125, देखिए तो 45 2 जा 90 और 3 जा करोगे 3 4 जा 12 3 5 जा 15 ज्यादा हो जाएगा, तो आपने क्या करना सिर्फ 2 टाइम्स ले जाओ तो आ जाएगा 90, 90 में कितना प्लस करेंगे आ गया ये 35। आपने क्या करना है देखिए ये आ गया एक इक्वेशन, सबसे पहले आपको क्या करना है जो बड़ा नंबर है उसको बाहर लेना है, जो छोटा नंबर है उसको b को भी मान लेना है, उसके बाद देखो कितनी बार वो टेबल जाती है, तो 45 पर 2 बार टेबल गई और रिमेनिंग क्या बच गया 35। अब इनमें जो है जो b है ना अब उसको बाहर ले लेना है, 45 को हमने बाहर ले लिया,
अब उसके बाद जो रिमाइंडर था ना उसकी टेबल पढ़नी है, कितनी बार जाएगी टेबल, देखो टू बार तो जाएगी, 70 आ जाएगी, तो वन लिया तो 35 में कितना प्लस किया 10, अब 35 को हम बाहर ले लेंगे और प्लस में रिमाइंडर का फिर से इक्वल टू रिमाइंडर का फिर से टेबल पढ़ेंगे, 10 3 30 और बचा क्या आपके पास 5, फिर से क्या करेंगे बी को बाहर लाएंगे 10, उसके बाद किसकी टेबल पढ़नी है 5 की, 5 2 10 प्लस में 0। इस स्टेप पे पहले देखिए स्टेप कौन सा है, स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, चार स्टेप में आपका क्या है एचसीएफ निकल गया। और यहाँ पे देख जब रिमाइंडर 0 आ जाए, व्हेन आर इक्वल टू 0, व्हेन आर इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ बी इज एचसीएफ, जो बी का मान होता है वही क्या होता है एचसीएफ, मतलब 5 ही क्या है आपका एचसीएफ है। देखो एक इसको हम डिवीजन मेथड से, जिन बच्चों को ना समझ में आया हो एक डिवीजन मेथड समझिए, 125 आप बीच में रखो, मैंने बोला था ए और ये होता है बी, ये होता है क्यू और यहाँ पे कोई नंबर आ गया, यहाँ जो है आर, देखिए तो बी जो था ना मैंने बोला था ना 45 लो, 45 2 90, अब देखिए 5 में 0 माइनस करो 5 और 9 माइनस करो 35, अब इस 35 को यही रहने दो, अब 45 को यहाँ ले आओ, 45 यहाँ लाया कितनी बार जाएगा 1 बार, तो ये 35 आ गया, फिर 45 में 35 माइनस करो कितना आएगा 10, अब इस 35 को यहाँ लाओ, अब देखिए क्या है ये कितनी बार में जाएगा 3, 10 3 जा 30, अब ये है ये बच गया यहाँ पे 5, अब ये 10 को बीच में ले लो, 5 2 जा 10, देखो पूरा कट गया, अब जो यहाँ नंबर होगा ना यही क्या है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना 125 और 45 का एचसीएफ कितना आया 5, क्या आया 5, 125 और 45 का एचसीएफ क्या आ गया आपके पास फाइंड आउट हुआ 5। ये था आपका बेसिक एग्जांपल एक यूक्लिड डिवीजन लेमा से, आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप करते रहिए, अगली क्लास में बताएंगे, जाते जाते मैं आपको एक नंबर एक क्वेश्चन और बताता जाऊंगा। देखिए अगर दो नंबर हमें पता है, कोई दो नंबर पता है और एक एचसीएफ पता हो जाए और उसका एलसीएम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। जैसे अभी हमने नंबर लिया था 125, पहला नंबर हमारा क्या था फर्स्ट नंबर क्या था 125, सेकंड नंबर क्या था 45, एचसीएफ क्या निकला था उसका 5, एलसीएम निकालना है तो आप देखिए कैसे निकलता है, एलसीएम निकालना है एलसीएम क्या होगा, तो आपने क्या करना है इसी फॉर्मूले को, तो फर्स्ट नंबर क्या है 125 मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर क्या है 45 इक्वल टू एचसीएफ क्या है 5 इंटू एलसीएम क्या है एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए 5 का इधर जब मल्टीप्लाई हो इक्वल टू के उधर, जब कोई नंबर का मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड जाने के बाद वो डिवाइड हो जाता है, तो 125 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू क्या आ गया एलसीएम। देखते जाना ध्यान से, अगर समझ में ना आए कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आप कमेंट में डालिए, या टेलीग्राम चैनल है डीएनए कोचिंग क्लासेस के नाम से, डीएनए कोचिंग क्लासेस के नाम से आप टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर सर्च कीजिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है 24/7 आप क्वेश्चन उसमें डालिए, आपको विद इन 24 आवर आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वरना आप कमेंट में भी कर सकते हैं। फिर देखिए इसको 9 5 9 45 9 टाइम आ गया 40 125 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू एल सी एम 9 5 जा 45 4 9 2 जा 18 22 9 1 जा 9 9 2 11, ये आपका क्या हो गया एल सी एम 9 5 जा 4 9, हाँ ठीक,
ये हो गया आपका एलसीएम। तो आपकी एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज है उसमें कुछ एचसीएफ एलसीएम निकालने हैं, आप उन्हें निकाल लेंगे, फिर अगली क्लास नेक्स्ट क्लास होगी वो कल होगी। अगर हमारी वीडियो आपको लाइक अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी बच्चे आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उन्हें आप शेयर करिए और उन्हें बोलिए जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन कर लें अगर अच्छी परसेंटेज लानी है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, विदा।